नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में। और आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पार्ट सेकंड। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पहले पार्ट फर्स्ट देख लो, देन पार्ट सेकंड देखना, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत होगी। पार्ट फर्स्ट में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के वेवलेंथ के बारे में बात की थी, और पार्ट सेकंड यानी कि इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फ्रिक्वेंसी और एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, ऊपर जाने पर वेवलेंथ इंक्रीज होती है और नीचे जाने पर वेवलेंथ डिक्रीज होती है। गामा रेज मिनिमम वेवलेंथ, रेडियो वेव मैक्सिमम वेवलेंथ। तो अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी और एनर्जी पे। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों एक साथ याद कर सकते हो आप, क्योंकि दोनों एक जैसा ही होता है, वैसे डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है दो फ्रीक्वेंसी एनर्जी में। लेकिन यहाँ पे आप एक तरीके से समझ सकते हो एक ही होता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे ऊपर जाने पे क्या होता है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही थी वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ऊपर जाने पे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही थी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज। फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा, मतलब ऊपर जाने पे फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, मिनिमम। मैंने यहाँ लिखा हुआ है देखो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम एनर्जी दोनों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता है वैसे फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में। लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, एक ही याद कर सकते हो, एक ही तरीका है याद करने का, दोनों एक ही होता है। तो ऊपर जाने पे हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज और एनर्जी भी डिक्रीज, दोनों डिक्रीज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों ऊपर जाने पे डिक्रीज हो जाएगी। और नीचे आने, उसी तरह से नीचे आने पे जब हमारी वेवलेंथ क्या होती है, नीचे मिनिमम होती है, तो ये क्या होती है, मिनिमम। हमारी वेवलेंथ नीचे मिनिमम होगी तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके। तो ये भी इसी तरह इसे क्वेश्चन आ सकता है, तीन चार ऑप्शन दे देंगे आपको, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज या रेडियो वेव दे देंगे, और पूछेंगे इसमें से मैक्सिमम एनर्जी किसकी होती है। मैक्सिमम एनर्जी किसकी होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी एनर्जी और फ्रिक्वेंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज और रेडियो वेव में सबसे सबसे कम मिनिमम वेवलेंथ किसकी है, गामा रेज। तो उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम एनर्जी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तीन चार कैसे, ये भी ऑप्शन दे देता हूँ मैं, बता देते हैं क्वेश्चन। और जैसे दे दिया आपको वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन दे दिया, तो आपसे पूछ लेगा इन तीनों, इन चारों में से सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होगी। जब आपको ये टेबल इस तरीके से याद होगा तो आप बता दोगे जल्दी से, तो किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो मैं आपसे पूछता हूँ, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, इनमें सबसे मैक्सिमम एनर्जी किसकी होगी, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन। तो आपको पता है नीचे हमारी वेवलेंथ सबसे नीचे क्या डिक्रीज होगी, वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, 390 की वेवलेंथ सबसे कम है कि मैं, तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, मैक्स ओ वॉलेट की हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की, बताया मैंने आपको अभी। तो उसी तरीके से आपको ये चैप्टर याद करना है, पहले आप टेबल याद कर लेना अच्छी तरह ये वाला, और फिर उसको एक बार देख लेना, दोबारा दोबारा समझना है तो वीडियो दोबारा देख लेना। और नेक्स्ट क्लास में हम यूजेस ऑफ जो हमने ये आपको करवाया है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये जितने भी आपको मैं करवाए हैं, इस पे इंपॉर्टेंट इसके यूज बताऊंगा। इसके यूजेस भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है इसके यूजेस। और उसके देन उसके बाद हम एमसीक्यू लाएंगे काफी, जो मैं क्वेश्चन बना खुद बनाऊंगा,